वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अब हमें पढ़ना है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं ये हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हमको एक्टिविटी समझनी पड़ेगी, एक्टिविटी 1.2। टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, 100 ml वाटर में 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैगनेट के डालने हैं। जैसे ही हम 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैगनेट के वाटर में डालेंगे तो वाटर को कुछ कलर मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इन टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब हमें क्या करना है, जो ये सॉल्यूशन हमें मिला था जिसमें हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैगनेट के लिए थे, इसमें से 10 ml लेना है और इसमें 90 ml क्लियर वाटर डाल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर से हमें क्या करना है, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसका 10 ml लेना है और उसमें फिर से 90 ml क्लियर वाटर डाल देना है। ऐसे हमें 5 से 8 बार करना है। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या वाटर में कलर रहेगा? तो इसका आंसर है हाँ। पर लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे कलर फेड होता रहेगा पर कलर जाएगा नहीं। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, पोटेशियम पर मैगनेट के छोटे से क्रिस्टल भी जो वाटर की लार्ज वॉल्यूम है उसको भी कलर दे सकते हैं, मतलब एक क्रिस्टल 1000 लीटर को कलर दे सकता है। सो वी कैन कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका मतलब क्या है कि एक क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल में कई मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं जो वाटर को कलर दे रहे हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। और जैसे ही हम इन पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स को पानी में डालेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेटेड क्रिस्टल्स ब्रेक होंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होने लगेंगे। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच वेन द पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। पर एक स्टेज ऐसी आएगी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, उससे आगे वो डिवाइड नहीं करेंगे। तो दिस एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। अगर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो हम इस एक्टिविटी को 2 ml डिटॉल से भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमें वही डाइल्यूशन करते रहना है, 10 ml लेना है, उसमें 90 ml वाटर डालना है, ऐसे डाइल्यूशन करते रहना है और हमें डिटेक्ट करना है कि उसकी स्मेल कैसी है, स्मेल जा रही है या स्मेल नहीं जा रही है। तो हमें इसका रिजल्ट पता है कि जो डिटॉल की स्मेल फर्दर डाइल्यूशन में नहीं जाएगी, क्योंकि डिटॉल भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जो फर्दर डाइल्यूशन पे भी कुछ ना कुछ स्मेल जरूर देंगे। तो इससे क्या पता चला, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इसका मतलब क्या है, मैटर के पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने छोटे हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले हमने जैसे पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और इस एक्टिविटी हमने ये देखा कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें मैटर के पार्टिकल की पहली प्रॉपर्टी को पढ़ना है जो है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल ऑफ शुगर सॉल्ट डिटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉटर। एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने पढ़ा था कि जब हम शुगर सॉल्ट या डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी कॉफी और लेमोनेड, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। इसका एग्जाम्पल है, हम लेते हैं यहाँ पे, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने डाल दिया पानी और इस पानी के अंदर हमने डाल दिया सॉल्ट। अब हम क्या करेंगे, सॉल्ट को इसमें डिजोल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्ट इसमें डिजोल्व हो जाएगा तो वाटर के जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है वहां सॉल्ट चले जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी है मैटर की कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो होता क्या है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें चले जाते हैं और वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो दिस शोज दैट देर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ
मैटर। तो इससे पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी स्पेस प्रेजेंट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब जो मैटर के पार्टिकल्स की दूसरी प्रॉपर्टी वो है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसमें क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, मतलब वो अपनी जगह से आगे डिस्प्लेस होते हैं। तो इसके समझने के लिए हमको एक्टिविटी 1.3 समझनी पड़ेगी। पुट एन अनलाइट इनसेंट स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। सबसे पहले हमें क्या करना है, बुझी हुई अगरबत्ती को क्लास के कॉर्नर में रख देना है। अब वो पूछ रहा है हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। हम कितना पास जाएं उस अगरबत्ती के कि हमें उसकी खुशबू आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको बिल्कुल टच करना पड़ेगा अपनी नाक से उस अगरबत्ती को। अब क्या करना है, नाउ लाइट द इंसेंट स्टिक। व्हाट हैपन, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस। अब क्या करना है, हमें उस अगरबत्ती को जला देना है। जैसे ही हम उस अगरबत्ती को जलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा। अब वो धुआं क्या होगा, एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच में स्पेस है और उनमें चले जाएगा वो धुआं। और हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। तो होगा क्या, एयर उस धुएं को हमारे नाक तक पहुंचाएगी, मतलब हम दूर भी खड़े रहेंगे तो तब भी हमें उसकी खुशबू आ जाएगी। किसकी, अगरबत्ती की। क्यों आ जाएगी, क्योंकि अगरबत्ती का जो धुआं है वो मिक्स हो गया है एयर में, फिर एयर फ्लो करेगी और हम तक पहुंचेगी और हमें खुशबू आएगी। ठीक है, अब हमें करनी है एक्टिविटी 1.4। चलिए इसको भी देख लेते हैं। टेक टू बीकर फिल्ड विद वाटर। हमें क्या लेना है, दो बीकर लेने हैं जो वाटर से भरे हुए हों। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर। हमें क्या करना है, पहले बीकर में इंक डाल देनी है। इंक या तो ब्लू लेंगे या रेड लेंगे। फिर जो दूसरा बीकर लिया है उसमें हमने हनी डालना है। हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले दो ग्लासेस लेने हैं या दो बीकर लेने हैं, उनमें पानी भर देना है। एक बीकर में हमें क्या करना है, ब्लू या रेड इंक डालनी है और दूसरे बीकर में हमने क्या करना है, हनी को डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन द कॉर्नर इन द क्लास। अब जब हमने इंक डाल दी पहले बीकर में और दूसरे बीकर में हमने हनी डाल दी है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों बीकर्स को कॉर्नर में रख देना है, मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको छेड़ना नहीं है। फिर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें क्या ऑब्जर्व हुआ है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। हम देखेंगे जैसे ही हमने इंक की ड्रॉप को डाला था वाटर में तो क्या होगा, इंक की ड्रॉप एकदम से वाटर में घुलने लगेगी, मतलब मिलने लगेगी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। अब हमने जो दूसरी बार हमने क्या किया था, हनी लिया था, हनी को दूसरे बीकर में डाला था, पानी है जिसमें, उस बीकर में जब हमने हनी को डाला तो हमने क्या देखा, हनी जो है वो जल्दी से डिजोल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि हनी क्या होता है, विस्कस होता है, विस्कस नेचर का होता है, मतलब ये गाढ़ा होता है। तो हनी को टाइम लगता है पानी में डिजोल्व होने में, पर इंक जो है जल्दी सॉल्यूबल हो जाती है वाटर में। तो हाउ मेनी आवर्स और डे इट टेक फॉर ए कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब ये तो मुझे नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, पर लेकिन क्या होगा, इंक जो होगी वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगी और जो हनी है ज्यादा टाइम लेगा वाटर में डिजोल्व होने में। चलिए अब एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इन टू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। हमें क्या लेना है, दो बीकर लेने हैं, पहले बीकर में हमने हॉट वाटर लेना है और दूसरे बीकर में हमें कोल्ड वाटर लेना है। हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को हमने हॉट वाटर में भी डालना है और कोल्ड वाटर में भी डालना है। डू नॉट स्टेयर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मिलाने की कोशिश नहीं करनी है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। हमें क्या करना है, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ना है ताकि जो क्रिस्टल हमने डाला था वो नीचे सेटल हो जाए बीकर में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। अब हम क्या देखें, जब हमने क्रिस्टल को वाटर में डाला था तो जो क्रिस्टल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपन एज टाइम पास। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब टाइम होगा, तो क्या होगा, जो क्रिस्टल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और वाटर को एक कलर दे देगा। तो व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसमें क्या हुआ, क्रिस्टल जो है वो सॉलिड है और क्रिस्टल जो है सॉलिड है, तो सॉलिड है तो ये मैटर है और मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिजोल्व हो जाएगा या टूट जाएगा और उसके बाद वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। अब क्या होता है, देखो हमने पहले लिया था कोल्ड वाटर और फिर लिया था हॉट वाटर। जब हम क्या करेंगे, किसी भी क्रिस्टल को हॉट वाटर में डालेंगे या पहले हम क्रिस्टल को कोल्ड वाटर में डालेंगे, तो जो कोल्ड वाटर में क्रिस्टल देर में सॉल्यूबल होगा
और जैसे ही हम हॉट वाटर में डालेंगे क्रिस्टल को, तो हॉट वाटर में क्रिस्टल जल्दी सॉल्यूबल होगा। अब इसका क्या कारण है? देखिए, हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होगा। तो जब हमने क्या किया, क्रिस्टल को हमने कोल्ड वाटर में डाला, तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जितना कम टेम्परेचर होता है, उतना कम काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी रनिंग या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। तो हम किस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई विलोसिटी होगी, अगर उनमें विलोसिटी है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए क्या होता है, जब टेम्परेचर कम रहता है तो काइनेटिक एनर्जी कम रहती है और वो देर में सॉल्यूबल होगा। पर लेकिन जैसे ही हॉट वाटर में हमने डाला, तो हॉट वाटर में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा, जो क्रिस्टल है वो ब्रेक होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी और वो जल्दी सॉल्यूबल होगा। तो यहां पे एक बात आई है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। इससे हमें क्या पता चला, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक बार मैं फिर बता देता हूं, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जो वी होता है वो वेलोसिटी होती है और जो एम होता है वो मास होता है। तो हमें पता है कि मैटर का कोई ना कोई मास होता है और मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं, मतलब उनमें वेलोसिटी होती है। तो कुल मिला के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। अब मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि पार्टिकल जो है वो जल्दी मूव करने लगेंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे हॉट वाटर में। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। इसमें क्या है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी किसी भी मैटर के पार्टिकल की। चलिए, इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। अब हमने क्या देखा, तीनों एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर मिक्स हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लू, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और वाटर का। कॉपर सल्फेट सॉलिड है, वो भी एक मैटर है, और वाटर क्या है, लिक्विड है, वो भी एक मैटर है। अब हमने जब क्या किया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को वाटर में डाला, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स क्या हुए, ब्रेक हो गए छोटे छोटे पार्टिकल्स में और वो इंटरमिक्स हो गए किसमें, दूसरे मैटर में, मतलब वाटर में। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे तो वो वाटर की जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसमें चले जाएंगे। तो यहां पे दिया है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब एक मैटर का जो पार्टिकल है वो दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाता है अपने आप, देयर ओन, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे या हम उसको मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर अपने आप ही एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है या इंटरमिक्स हो जाता है तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, तो यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन। अब हमें पता है कि जब हम हीट करेंगे तो डिफ्यूजन जो होगा वो फास्ट होगा। डिफ्यूजन फास्ट क्यों होगा, क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो जल्दी मूव करेंगे, और वो जब जल्दी मूव करेंगे तो जल्दी डिफ्यूज होंगे। इसलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस डिफ्यूजन, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा।